हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अपन ने जो है डायोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स देख लिया था, ठीक है। अब अपन देखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो मोनोकॉट में कौन से प्लांट होते हैं जिनके सीड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, तो जैसे वीट है, मेज है, राइस है, ठीक है। ऐसे प्लांट जो है मोनोकॉट होते हैं, तो उनके एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स के लिए मोनोकॉट एम्ब्रियो में ओनली वन कॉटिलीडन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ग्रास फैमिली के अंदर अपने को ये देखने को मिलता है, जिनके अंदर कॉटिलीडन को हम क्या बोलते हैं, स्कुटेलम कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मैच का मैंने डायग्राम लिया है, मैच एम्ब्रियो का डायग्राम लिया है अपने, उसी का सीड भी है, ठीक है। तो देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ठीक ऊपर की ओर आप देखोगे, ठीक है, तो यह होता है प्लूम्यूल्स, जो आगे चलकर टर्मिनेट हो जाता है किसके अंदर, सूट एपेक्स में। इनको लीफी कवरिंग प्रोटेक्ट करता है, जिसको अपन बोलते हैं कोलियोप्टाइल्स। तो ये एपिकोटाइल वाला पार्ट से एपिकोटाइल्स के ठीक नीचे की ओर क्या होगा, प्लूम्यूल्स, और प्लूम्यूल्स के ऊपर जो है लीफिक कवरिंग है, इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। इसी तरीके से एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे की ओर देखोगे तो रेडिकल, और रेडिकल से निकली हुई होती है रूट कैप्स, ठीक है, जहाँ हाइपोकोटाइल का पोर्शन रहता है, ये पूरा हाइपोकोटाइल का पोर्शन रहेगा, जिसका रेडिकल जिससे रूट बनेंगी और इसके ऊपर कैप होती है, उसको बोलते हैं रूट कैप। तो यहाँ पर रेडिकल्स को कवर करता है लीफी कवरिंग ये, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कोलियोराइजा। तो देखो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलीडन हैज ओनली वन कोटिलीडन। इन ग्रास फैमिली द कोटिलीडन इज कॉल्ड स्कुटेलम, जे कोटिलीडन को स्कुटेलम कहेंगे। स्कुटेलम द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर बिलो द अटैचमेंट ऑफ स्कुटेलम इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल्स, विच एट इट्स टिप इज हैविंग रेडिकल्स बियरिंग रूट कैप एंड इट्स लोअर एंड, ये लोअर एंड पर मैंने बताया था यहाँ रूट कैप डेवलप होंगे, ठीक है, रेडिकल्स है। द रेडिकल्स एंड रूट कैप इज कवर्ड बाय एन एनवलप कॉल्ड कोलियोराइजा, ये देखो कोलियोराइजा से कवर्ड रहेंगे, ठीक है, रेडिकल और रूट कैप पोर्सन। द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ स्कुटेलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल्स, ये अबव लेवल है, ये इसका इलाका कौन सा, एपिकोटाइल्स। और एपिकोटाइल्स पर क्या होंगे, एपिकोटाइल विच टर्मिनेट इनटू द प्लूम्यूल्स, ये एपिकोटाइल टर्मिनेट होकर बनाएगा प्लूम्यूल्स, एंड प्लूम्यूल्स कवर्ड विद द लीफी कवरिंग कॉल्ड कोलियोप्टाइल्स। अब इनके अंदर जो है ये एंडोस्पर्म रहेगा पूरा, और एंडोस्पर्म्स के आसपास पूरी प्रोटीनियस लेयर्स होती हैं, इसको अपन बोलते हैं एल्यूरॉन। कौन सी लेयर बोलते हैं इसको, एल्यूरॉन, एल्यूरॉन प्रोटीनियस लेयर, ठीक है, ये एल्यूरॉन प्रोटीनियस लेयर होंगे। और इनके बीच में ये सब एंडोस्पर्म होगा जो नरिशमेंट सप्लाई करेगा किसको, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो को। तो कोटिलीडन तुमको समझ में आ गया, यही सीड भी बनेगा आगे चलकर एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब फॉर्मेशन ऑफ सीड क्या होता है, द फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन इज स्टिमुलेट बाय एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तब जाकर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो ही किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। तो सीड में कौन कन्वर्ट होता है, ओविल, एम्ब्रियो बन का रहा है ओविल्स के अंदर, तो पूरा ओविल्स चेंज होगा किसके अंदर, सीड के अंदर। अ नंबर ऑफ चेंजेस ऑकर्स इन ओविल ड्यू टू विच ओविल इज ट्रांसफर इन टू द सीड। तो ओविल्स सीड किसको कहा, सिंपल वर्ड में ओविल ट्रांसफॉर्म इन टू सीड। अब ओविल्स के अंदर तुमने देखा है कि दो इंटेगुमेंट्स होंगे, ठीक है, ये इंटेगुमेंट सीड कवरिंग बनाएंगे, तो जिसमें से आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म करेगा टेस्टा, और इनर इंटेगुमेंट फॉर्म करेगा टेगमन। तो दोनों को मिलाकर, टेस्टा और टेगमन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। ये देखो यहाँ पर सीड कोट के अंदर ये पूरा सीड, इसको अपन ने ओपन किया है, डायकोट रीडन का सीड है,
इसके ऊपर ये कवरिंग दिखता है हमको, ये हार्ड कवरिंग होता है, इसको टेस्टा बोलते हैं, और इसके अंदर लगी हुई लेयर्स होती हैं, इसको टेगमन बोलते हैं। तो ये दोनों सीड कोट कहलाती है, और बीच में एम्ब्रियो होता है इस तरीके से। फिर अपन इसके अंदर कुछ स्कार लेफ्ट ऑन वन साइड ऑफ सीड कॉल्ड हाइलम। ये जो अपन सीड को देखोगे तो ये यहाँ हमको ऐसा स्कार दिखता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, हाइलम, जिससे पूरा एम्ब्रियो या ओव्यूल्स अटैच रहता है। तो ओव्यूल्स जब अटैच रहेगा तो वो हाइलम वाला पोर्शंस एक स्टॉक से अटैच रहता है, वही उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल्स या फ्यूनिकुलस। अब इंडोस्पर्म कंज्यूम और नॉन कंज्यूम्स के बेस पर जो है सीड दो टाइप के हो जाते हैं, जैसे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, यानी ऐसे सीड जिनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान इंडोस्पर्म बिल्कुल भी ना बचे, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, पूरा खर्च हो जाए किसके अंदर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर। तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ये ग्राउंड सीड एग्जाम्पल अपन इसका देख सकते हैं। दूसरा होता है एल्ब्यूमिनस सीड, सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरा इंडोस्पर्म खर्च ना हो और कुछ रह जाए, है ना, तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो सीड ये दो प्रकार के हो जाते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें इंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया है किसके कारण, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो नरिशमेंट सप्लाई करता है, और एल्ब्यूमिनस सीड जहां पर इंडोस्पर्म रिटेन रहा है कुछ पोर्शंस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान भी। तो इसमें मेज सीड वीट सीड आ जाते हैं, ये एल्ब्यूमिनस सीड हो जाए। अब बात आती है सिग्निफिकेंस क्या है सीड का। तुम जानते हो कि सीड से ही पूरा प्लांट डेवलप होता है। तो सीड है वो एडाप्टेशन फॉर डिस्पर्सल न्यू हैबिट, सीड जो है एडाप्टेशन होंगे सीड में, और सीड डिस्पर्स होगा किसमें, न्यू हैबिटेट में, एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज अदर एरिया, और एक दूसरी एरिया के अंदर नए प्लांट्स की कॉलोनी डेवलप हो जाएंगी। सीड हैव इनफ फूड रिजर्व टू नरिश द सीडलिंग्स अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब तक कि प्लांट्स कैपेबल ना हो जाए फोटोसिंथेसिस के लिए, सीडलिंग प्लांट डेवलप ना हो जाए, फोटोसिंथेसिस ना कर सके, तब तक फूड रिजर्व रहेगा उनके अंदर और उसको नरिशमेंट सप्लाई करता रहेगा। द सीड द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, और यंग एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करेंगे, सीड कोट करेंगे। तो सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सीड ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है।